हाय फ्रेंड्स, आज बनाने वाली हूँ मैं मशरूम बिरयानी। उसके लिए मैंने यहाँ छोटे छोटे साफ करके मशरूम को मैंने साफ करके काट लिया है। ये दो प्याज, दो हरी मिर्च, दो टमाटर, थोड़े से पुदीना और थोड़े से धनिया पत्ता है। और ये है गरम मसाला थोड़ा सा, दो तीन चिटकी, और हल्दी, ये चिली पाउडर, ये वेज बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच, खड़ा मसाला, इसमें जिंजर गार्लिक, नमक। ये चावल है, इस ग्लास में 1 ग्लास चावल लिया है। मशरूम जो है एक पूरा पैकेट जो है वो उस पूरा पैकेट है ये। चलिए हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें 4 बड़े टेबलस्पून तेल डाला है मैंने। चलिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम सारे खड़े मसाले जो है डाल देते हैं, जिसमें है लौंग, इलायची, एक तेज पत्ता है जिसको मैंने तोड़ के डाला है, जैसे ही हल्का सा भून जाए दो हरी मिर्च डाल देंगे, और उसके साथ ही प्याज जो हमने काट के रखा था उसको डाल देंगे। जैसे ही प्याज फ्राई हो रहा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। प्याज जो है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, उसमें अभी डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये प्याज फ्राई हो चुका है, अब उसमें डाल देंगे हम हल्दी, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, वेज बिरयानी मसाला, इन सबको हल्के हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जो टमाटर दो काट के रखे थे वो वाले, इसको भी हाथों से मिला लेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। तो हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अभी हम डाल देंगे मशरूम को। मशरूम को भी डाल अच्छे से भून लेंगे। मशरूम जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, जैसे तेल छूटने लगा है ना, इसका मतलब है कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे जो मैंने चावल धो के रखा था, मैंने इसको भिगोया नहीं है। तो चावल मैंने डाल दिए, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे दो तीन मिनट के लिए। जैसे ही चावल को हम भूनेंगे वैसे ही तभी हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा, उसके साथ ही चुटकी भर गरम मसाला नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। Thank you.
और एंड में एक चम्मच घी। एंड में हम डाल देंगे धनिया पत्ता और पुदीना। को भी डाल के थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जो चावल जो है, तो अभी हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी हमें उसी में डालना, जिस ग्लास जिस बर्तन से हम चावल लेते हैं उसी में से पानी डाल। तो मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास ये वाला, ये दूसरा वाला, बस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। हम इसको ढक्कन लगा के फुल फ्लेम में है, जब तक एक उबाल आए तब तक हम एक फुल गैस जो है फुल फ्लेम में रखेंगे, बाद में सिम करेंगे। देखिए उबलने लगा है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे और गैस को कम कर देंगे। चलिए मशरूम बिरयानी बनके तैयार हो चुका है, टेस्टी सा। इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया पत्ता। क्या मशरूम बिरयानी बनके तैयार हो चुका है टेस्टी सा, आप भी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके बताइए कैसा बना है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।